If 500 ml of 1 molar solution of glucose is mixed with 500 ml of 1 molar solution of glucose, final molarity of solution. ठीक है, हमारे पास है 500 ml और 1 molar glucose solution और 500 ml and 1 molar glucose solution. आपको निकालनी क्या है, फाइनल मोलैरिटी इन दोनों को मिक्स करने के बाद एम फाइनल कैलकुलेट करना है. तो देखो जितने मोल्स ग्लूकोज के फर्स्ट सॉल्यूशन से आएंगे, ये मान लो ये फर्स्ट सॉल्यूशन है और ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन है. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है और ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन है. जितने मोल्स इसमें होंगे ग्लूकोज के प्लस जितने मोल्स ग्लूकोज के होंगे वो तो कंजर्व ही रहेंगे. वही बात है, मोल्स तो कंजर्व ही रहते हैं चाहे वॉल्यूम कितनी ही कर दो. तो हमने क्या करा, जितने मोल्स इससे ग्लूकोज के सॉल्यूशन आए कितने आएंगे इससे, 500 × 1 प्लस यहां से कितने आएंगे 500 × 1 इज इक्वल्स टू जो एम फाइनल होगा इंटू वी फाइनल. ये हमने क्या किया है बेसिकली, एम वन फर्स्ट सॉल्यूशन से जितने मोल आए वो एम वन वी वन, सेकेंड सॉल्यूशन से जितने मोल्स आए एम टू वी टू, फाइनली एम फाइनल वी फाइनल. ये हो गए हमारे इनिशियल मोल्स, ये हो गए हमारे फाइनल मोल्स. तो इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स क्या रहेंगे, कंजर्व्ड. ठीक है, तो यहाँ पे कितने आएंगे हमारे पास, 1000 इज इक्वल्स टू एम फाइनल. अब वी फाइनल क्या होगा, 500 ml प्लस 500 ml मेक्स इट 1000 ml. तो एम फाइनल कितना आ गया, 1000 1000 यानी कि 1 molar. सिंपल था, ये तो ए हो जाएगा. ठीक है, वापस से मेन कॉन्सेप्ट वही था कि इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे.